ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम जो सब शिव के भक्त हैं, हम लोग शिव की भक्ति करते हैं और शिव को पाने के लिए लगे रहते हैं, तो आप बताइए क्या शिव को पाना इतना आसान है? क्या शिव को हम यूं ही पा लेंगे? जब हम शिव जी के करीब जाते हैं तो उससे पहले हमें, शिव को पाने से पहले हमें क्या मिलता है? शिव के ऊपर भस्म लगी हुई है, वो भस्म जो कि शमशान से आई हुई है, शमशान की चिता से निकली हुई भस्म है। पहले उस भस्म को पार करना पड़ता है, उसके बाद जो शिव जी के आसपास सांप हैं, जो लिपटे रहते हैं शिव जी के ऊपर, उसके बाद उन सांपों की नेगेटिविटी से हमें बचना पड़ता, उसके बाद शिव की जटाओं से निकलती हुई गंगा की धारा हमें मिलती है, हम उस चंद्रमा तक पहुंचते हैं, अपने मन पे कंट्रोल करते हैं जो कि शिव जी के शीश पर है, फिर जाके कहीं हमें शिव का एहसास होता है। वो भस्म किस चीज़ का प्रतीक है? वो शमशान की चिता से निकली हुई भस्म है, वो भस्म जो कि जीवन के बिल्कुल अंत को बताती है, जहाँ कुछ भी नहीं है, मृत्यु, सब कुछ खत्म, वो विरक्ति को बताती है, सारी चीज़ों को छोड़ देना, विरक्ति कर लेना, उस राग की तरह खत्म कर देना अपनी हर चीज़ को। उसके बाद ही अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम शिव के उस उच्च रूप को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम अपनी विरक्ति में नहीं आएंगे, उस एनर्जी में नहीं आएंगे, हम चाहे कितने भजन कर लें, हम चाहे कितने तीर्थ चले जाएं, हम शिव को प्राप्त नहीं कर सकते। और वो सांप के रूप में जो हमारे मन में डर भरे रहते हैं, और डर लगता है सांप को देख के, सबको लगता है ही ऐसा, देख लो एकदम अंदर से आत्मा कांप लेती है। तो ये जो डर है, हमें उनसे भी बाहर निकलना पड़ेगा, वो विरक्ति और वो डर। जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे, बोल्डनेस आ जाएगी, डर निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये नहीं है कि हम शारीरिक डर की बात कर रहे हैं, यहाँ बात है मन के डर की, जो हमारे मन में इतने सारे डर है, कल क्या होगा, आज क्या होगा, इसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे भविष्य में क्या है, मुझे मोक्ष कब मिलेगा, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डर, बहुत सारे वहम। जब हम उन सारी चीज़ों से ऊपर उठते हैं, फिर जाके कहीं हमारे को वो गंगा मिलती है जो कि शिव की जटाओं से बहती है, और फिर उस चंद्रमा को हम पाते हैं, अपने मन पे कंट्रोल करते हैं, फिर जाके कहीं हम शिव के पास पहुंचते हैं। लेकिन हम इस चीज़ों को नहीं समझते, हमें क्या लगता है कि हम कुछ भजन गा लें हम शिव के पास पहुंच जाएंगे, हम कुछ कहीं ना कहीं हम तीर्थ चले जाएं हम उसके पास पहुंच जाते हैं। हम शिव के पास पहुंच के भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, तभी तो हम तड़पते रहते हैं, बार बार वो आस हमारे मन में लगी रहती है, वो तड़प लगी रहती है। आप देखिए, जितना देखें हम, जितना जो लोग शिव को मानते हैं, जितना भजन कर लें, जितने उस लेवल पे चले जाएं, उसके बाद भी तृप्ति नहीं मिलती। यही, ये मैं नहीं कह रही कि आप लोग ये करते हैं, मेरे साथ भी यही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो प्यास, वो तड़प जब भी आप शिव को देखेंगे आपके अंदर से आएगी, क्योंकि उस लेवल पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब व्यक्ति उस लेवल पे पहुंच जाता है तभी वो शिव को प्राप्त कर सकता है, यूं ही नहीं प्राप्त कर सकता। हमें लगता है बस हम थोड़ी सी भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, हाँ उसका हमें आशीर्वाद जरूर मिलता है, हम उसका साथ मिलता है, लेकिन उसको प्राप्त करना एक अलग ही अनुभूति है, वो लेवल एक अलग ही होता है। उसका आशीर्वाद जरूर है भाई, वो तो ईश्वर तो सबको ही आशीर्वाद देगा, अपना साथ भी देगा, आपके काम भी बनाएगा, लेकिन उसको प्राप्त करना एक अलग ही अनुभूति है। जब आप उस ईश्वर से, उस शिव से साक्षात्कार कर लें, और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब देखें कि किसको जीवन में मिलता है और किसको नहीं मिलता है, बस कोशिश हम सब की जा रही है, बस उस लेवल पे हमें अपने आप को ले जाना होगा, वो ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी उसी यात्रा में हैं कि हम भक्ति की राह में हम कब उस ईश्वर को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।